welcome to IIJS virtual second edition powered by GIA. We have three very progressive jewelers with us from across the country. We have Vivek Kumar Gupta ji from Dala Purushottam Das Jewelers, Lucknow. We have Rashid Kumash from Shamlal Jewelers, Moradabad, from Kanpur, sorry. And Mrs. Bala Sudhan from DBG Jewelers, Nagapattinam, Tamil Nadu. So we'd like to start with you, Rashid. You know, how do you feel is the IIJS virtual platform? Ye kaisa platform aapke liye raha hai? Last time also, I participated in IIJS virtual. It was a new platform for all the jewelers and was very appreciating and a very good technique for placing some orders and meeting our vendors and all everybody. So I also used that IIJS virtual last time also and placed some orders also. And that was a good step from IIJS. Coming IIJS, I will participate, sir. Lovely. Season is okay. Normal season is, business is normal only. Because of COVID time, we cannot travel to Bombay and attend the IIJS. This is the only solution, I think. IIJS virtual is the only solution, I think. This is for retailers like us, this is the only way to interact our suppliers and get back good designs to our customers. Rachit ji, aapke paas aate hain ye jo IIJS virtual jo abhi ho raha hai isme jo abhi season aage aane wala hai 6 mahina kya lagta hai aapko ki ye season mein koi naya trend aapko dekhne ko mil raha hai pichle 3 mahine ka jo experience hai aapka ki January se July tak ka season kaisa rahega aur kya advice dena chahenge aap manufacturers ko kis tarah ke jewelry aapko dikhaye IIJS virtual? Yeah, sure. जो अभी सीजन निकल के गया है ड्यू टू द रेट्स, जो इतना प्राइस हाइक हो गया है, रेट हाइक हो गया है, इस वजह से कस्टमर्स ने एक बजटिंग अपना ज्वेलरी कर ली है और वो बहुत हैवी वेट्स में ना जाके लाइट वेट की ज्वेलरीज को ज़्यादा, जो फ्लावट में है, जो दिखने में बड़ी लग रही हैं और वेट में कम हो, ऐसी ज्वेलरी को ज़्यादा डिमांड है। और क्योंकि मेरे पास लोकल का भी कस्टमर है जो एक शहर से, अच्छे शहर से बिलोंग करता है, और एक विलेज का भी कस्टमर है, तो मैंने दोनों जगह यही पाया कि जो कस्टमर की जो इस समय डिमांड है वो अप टू एक मैक्सिमम बजट उन्होंने सेट कर लिया है कि हमारे को 100 ग्राम्स 120 50 ग्राम्स तक का सामान हमें परचेज करना है, क्योंकि इससे ऊपर जो जा रहा है वो भाव बहुत तेज़ होने की वजह से कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इसलिए हर कस्टमर एक बहुत लिमिटेड अमाउंट तक और लिमिटेड वेट तक सेट हो गया है। तो हम लोग जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हर अपने वेंडर से, अपने सप्लायर से, वो एक सर्टन वेट की रिक्वायरमेंट को लेके चल रहे हैं कि अप टू दिस वेट वी रिक्वायर्ड द प्रॉपर ज्वेलरी, सो आप हमारे को इसी वेट के अंदर अंदर हमारे को दिखाओ। बाला, वी कम बैक टू यू। यू नो, इन नागापट्टिनम is a tier 2 tier 3 city in Tamil Nadu, what is the customer saying? You know, like Rachit said, in his city people are wanting 100 grams 150 grams of jewelry. What is your view on this? You know, what is the kind of jewelry which will move for the next 6 months? Lightweight jewelry is the next option for us. Heavyweight jewelries are not moving. Jewelries maximum lightweight ज्वेलरी इज मूविंग फास्ट। विवेक गुप्ता जी, आपने बोला कि बहुत बढ़िया जाने वाला है सीजन, वल्दो 3 महीने आपको टाइम भी मिल रहा है ये तैयारी करने के लिए, बढ़िया, और उसके बाद अच्छा रहेगा। कोई आप ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं विवेक जी आपके शहर में, क्योंकि आप प्लेटिनम भी करते हैं, गोल्ड भी करते हैं, डायमंड भी करते हैं, कोई ऐसा ट्रेंड है जो आपको लग रहा है कि एक नया ट्रेंड है जो हमारे इंडस्ट्री के लिए, जो मैन्युफैक्चरर्स इससे कुछ सीख सकते हैं? जो ऐसे अभी डायमंड ज्वेलरी है उसके बहुत उसके तक चेंजेस आए हैं, जैसे रोज ज्वेलरी चल रही है उसके अंदर भी बहुत लोगों ने लाइट ज्वेलरी ज्यादा पसंद करी है डायमंड के अंदर, और जो कुंदन की ज्वेलरी आ रही है या पोलकी की ज्वेलरी आ रही है उसके अंदर पेस्टल कलर के मीने की ज्वेलरी ज्यादा लाइक करी जा रही है। ओके, तो जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है थोड़ा सा पेस्टल कलर के ट्रेंड पे ज्यादा रुझान आ रहा है, और एंटीक ज्वेलरी में भी लाइट ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड हो रही है। Okay, और बहुत येलो वाली जो ज्वेलरी आती है वो सिटी के अंदर नहीं ज्यादा डिमांड करते लोग, थोड़े से आउटर में डिमांड ज्यादा रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी, रचित जी, एंड थैंक यू वेरी मच बाला सुधन जी, थैंक यू फॉर द टाइम एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट 2021।